फाइनली गाड़ी आ गई हाथ में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका KGU व्लॉग्स में। तो जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा वीडियो का, तो हम अपने छोटे भाई आकाश की कार डिलीवरी लेने जा रहे हैं, थार की। तो अभी हम रास्ते में हैं, सारे भाइयों के साथ हैं। मिलवाएंगे आपको अभी आकाश से भी और पूछेंगे उससे कि उसकी क्या चॉइस रही है थार की लेने का, क्या कारण रहा। तो आपको अभी मिलवाते हैं और फिर जाएंगे हम नोएडा, जहां से हमें अपनी कार की डिलीवरी लेनी है। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं लाजपत नगर, जहां से आकाश को पिक करना है। आकाश कुछ अभी पेपर वर्क कर रहा है, आकाश को पिक करेंगे, फिर जाएंगे सीधा नोएडा, जहां से हम कार की डिलीवरी लेंगे। लेकिन उससे पहले आकाश से आपको मिलवाएंगे और आपको आकाश से पूछवाएंगे कि आकाश की क्या चॉइस रही और क्या कारण रहा थार को लेने के लिए। दोस्तों, जैसा बताया था मैंने कि लाजपत नगर से आकाश को पिक करना है, तो आकाश से मिलवाता हूँ आकाश और अमित भाई, और बताएंगे कि भाई थार लेने का क्या कारण रहा। तो आकाश भाई, थार लेने का कारण रहा, इसी रेंज में आपको सेल्टोस भी मिल सकती थी और अमित भाई क्रेटा भी मिल सकती थी। अमित भाई को ज्यादा नॉलेज है कार की, तो अमित भाई बताइए क्या रीजन है कि थार ही क्यों आकाश ने चूज की करी। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। थार इसलिए चूज करी आकाश ने क्योंकि थार एक स्पोर्टिंग लुक है, लेटेस्ट चीज है, बच्चों की फेवरेट कार है, ये रीजन है। एक्चुअली क्या है, मेरे बेटे ने बस एक ही बात बोली, पापा जमती है तो बस थार ही जमती है, उसके बगैर कोई गाड़ी चलती अच्छी नहीं लगती। नहीं, थार नो डाउट अच्छी है, जब गेड़ियां हम लगाते हैं अपने आसपास। तो लो जी, पहुंच गए हैं महिंद्रा के शोरूम। कॉफी चाय कुछ इतने खर्चे के पीछे भाई एक चाय का कप तो चलता है। जैसे रेड कलर अपनी अपनी चॉइस है लोगों की, पर्सनली मेरे को तो ब्लैक में अच्छी। मनु यही है अपनी वाली, मनवीर यही है, यही वाली ले लेना, यही है हमारी। ये नहीं लेनी क्यों? असली मतलब ये है। तो इसमें और जो हम ले रहे हैं उसमें क्या डिफरेंस है? उसके हार्ड टॉप है भाई, ये वैसे भी सॉफ्ट टॉप है, इसकी खुल जाती है ना छतें, मजे आते हैं ना, ये ज्यादा बढ़िया है। अमरेश लगा लो ये वाली, अभी देखिए लगा लो अपने गाड़ी। चलो आपको दिखाता हूँ ये वाली भी थार। बैठ तो चार ही पाएंगे ना, चार की है कार, तो इसके बूट स्पेस है क्या? तो यही ले लें फिर ना। गाड़ी तो ये भी बहुत डिमांड में है। तो गाड़ी डिलीवरी में लग रहा था टाइम, तो हम आ गए अपनी मासी के घर लंच करने।
तो कुछ समय हमने वहाँ पे बिताया, लंच किया, रेस्ट किया, तो फिर हम वापस से चल दिए। उसमें क्या है, बस भाई दुनिया ही ब्लॉगर हो ये। मासी जी कर लिया लंच और अब हम आए हैं लंच के बाद कुछ मीठा खाने नोएडा ही हल्दीराम्स पे। आकाश, आकाश बहुत टाइम लगा दिया कार डिलीवरी में। बस भाई एसेसरीज लग रही है उसमें, हमारा शौकीन भाई है, एसेसरीज लगवा रहा है उसमें। हल्दीराम पे खाएंगे गाजर का हलवा और डब्बे लेंगे मिठाई के। लो जी आकाश की न्यू थार भाई आपकी है, सजते हुए डिलीवरी के लिए तैयारी। ये किस लिए भैया स्टैंड, ये किस लिए स्टैंड है? उसी के लिए है ये, अपना पहाड़ियों में कहीं लगा के हैं खाने दिखाइयो का एंजॉय के लिए। एंजॉय के लिए नहीं, जैसे ग्रीन टी वगैरह पीनी हो अपनी। हाँ अपना मैगी शैगी खाई कहीं पहाड़ों पे रोक के। भाई एक नंबर शौकीन है अपना भाई छोटा ये। और क्या क्या ऐसी चीज लगाई है आकाश? यही अभी तो लग रही है धीरे धीरे। ये अंदर के आपने देखा है आम रेस जो आते हैं सामने दोनों तरफ, ये खुला पड़ा है क्या? शाम के लगभग 7 बज गए भाई, काम अभी भी लगभग हो ही गया है। आगे के सेंसर्स की वायरिंग वगैरह हुई है। फाइनली गाड़ी आ गई हाथ में, जय माता दी। अब हम ले जाएंगे नोएडा से गुड़गांव ड्राइव करते हुए। बहुत अच्छी फील आ रही है, सुबह दोपहर को 2 बजे से अब शाम को हमें 7:30 बजे गाड़ी मिली है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का व्लॉग, तो इस व्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। नमस्कार।